हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पानीपत से जो राहगिरी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पिछले एक साल से राहगिरी कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य और इसका औचित्य क्या है, खुद जिला प्रशासन इससे वंचित है। यहां तक कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। सरकार से मिली राशि को बिना खर्च किए ही राहगिरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये राहगिरी कार्यक्रम नहीं बल्कि चमचागिरी कार्यक्रम है। पानीपत में जिला प्रशासन के द्वारा पिछले एक साल से राहगिरी के नाम पर जो प्रोग्राम किया जा रहा है उसे राहगिरी नहीं बल्कि चमचागिरी कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। अब आरटीआई से खुलासा हो गया है कि जिला प्रशासन को यह भी नहीं पता कि इस कार्यक्रम का, जो राहगिरी कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, इस जिला प्रशासन को नहीं पता। हमने डीसी ऑफिस के में आरटीआई लगाई थी तो जो सीटीएम है नगराधीश महोदय, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास आपकी आरटीआई की कोई सूचना नहीं है। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए हमारी आरटीआई को डीएसपी हेडक्वार्टर, जो एसपी ऑफिस के जन सूचना अधिकारी हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया। डीएसपी हेडक्वार्टर ने हमारे